हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनबॉक्सिंग बर्नर। आज जो है हमारे सामने बड़ा खूबसूरत सा ये गेमिंग पीसी आपको नजर आ रहा होगा। तो आज हम इस पीसी के स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइसिंग के बारे में आपसे बात करेंगे और इस पीसी के अंदर जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है उसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये सीपीयू की जी। तो आप हमें बताएं कि ये जो सीपीयू है इसकी आप हार्डवेयर की हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह बताएं। ये जो इसमें हार्डवेयर लगा हुआ है जी, ये इसमें मैंने प्रोसेसर मतलब गेमिंग के लिए करवाया और ये प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है कोर i5 4th जनरेशन 4590 और बाकी इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है MSI गेमिंग X1650। अच्छा, 500 वाट पावर सप्लाई, ASUS मदरबोर्ड। हार्ड ड्राइव कितने लगी हुई है इसमें? हार्ड ड्राइव इसमें मैंने लगवाई है 1 TB। अच्छा, और SSD लगवाई हुई है मैंने इसके अंदर 120 GB जो है इसके अंदर SSD भी लगी हुई है जी। बड़े प्यारे से मुझे इस केसिंग में इसके पंखे नजर आ रहे हैं, जो लाइट्स लगी हुई है पंखों में, ये चेंज भी होती है इनके कलर्स वगैरह? जी बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल के साथ। जरा चेंज करके दिखाएं हमें, इसका रिमोट भी दिखाएं जरा। अच्छा, ये इसका रिमोट है जी। और अच्छा जी, बड़ी काफी मोड है इसके अंदर। सही है, मैं मोड चेंज कर रहा हूं। और क्या कहते हैं बाकी इसके अंदर 3 RGB पेन इंस्टॉल आ जाए, री इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, रिमोट कंट्रोल और जो मैंने रियर फैन, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगा, ये जो बैक पे लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जी, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, किसी के साथ नहीं है। और ये कलर इसका स्टिल रहता है, रेड में भी अवेलेबल है और कलर में भी। अच्छा, और कलर में मर्जी आपकी, आप किस कलर में, जिस कलर में भी हम सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया जी, इसकी प्राइसिंग के बारे में भी आप हमें अभी थोड़ी देर में बताएंगे सबसे पहले, फिर आप उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी इस माउस के बारे में। इस माउस की कंपनी हमें बताएं, ये किस कंपनी का माउस है? ये जो आपके सामने माउस है ये रेजर का है, ज्यादातर एलीट। ठीक है, और ये मैंने खास तौर पे गेमिंग रखा हुआ है क्योंकि बस गेमर्स को यही होता है कि कहीं पे उनका रिस्पांस डिले ना हो, लैग ना आए, लैग ना आए कहीं पे भी। और क्या कहते हैं, बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट हर चीज हो। ठीक है, मैं वैसे भी शूटिंग गेम्स का शौकीन हूँ तो इसलिए मैंने ये माउस रखा हुआ। और ये माउस पैड के बारे में? ये माउस है मेरा, ये माउस पैड है मेरा रेजर का, ही है जी, अपना कंट्रोल एडिशन आप जो भी इसको बोल सकते हैं। और ये मैंने अच्छा जी, तो अब हम लोग आ जाते जी इस कीबोर्ड के ऊपर। बड़ा आपने ये खूबसूरत सा कीबोर्ड रखा हुआ है और बड़े अच्छे कलर्स भी चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी इसके कलर्स हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं इस कीबोर्ड के बारे में। ये जो कीबोर्ड है ये मेरे पास ब्लडी का है। ठीक है, सही है जी। और ये कहते हैं इसके अंदर ये फुल RGB नहीं है, और ये कहते हैं इसके अंदर 3 कलर्स दिए हैं कि आप इसमें जो का आप इसमें ब्लू ग्रीन और ये कलर स्टिल भी हो जाते हैं जी। ये स्टिल करके दिखाएं, ये अभी बंद हो गया। ठीक है, फंक्शन की से सही है, ये इस तरह चेंज भी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी ये आपके हेडफोन के ऊपर। बड़ा खूबसूरत सा ये आपने हेडफोन रखा हुआ है, तो अब ये किस कंपनी का है? ये भी ब्लडी का ही है, और इसके एक सबसे बड़ी वजह रखने की ये कि एक तो लो बजट में काफ़ी अच्छा इसका क्या कहते हैं साउंड है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है इस बजट में कि आपको ये 7.1 सराउंड बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, डॉल्बी डिजिटल साउंड इसमें आता है। बिल्कुल, अच्छा अब जी हम आ जाते हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस स्क्रीन का हमें साइज बताएं और कंपनी बताएं। ये जो स्क्रीन है ये मेरी ASUS की स्क्रीन है, 22 इंच। अच्छा, और ये फुल HD है और इसमें 60 Hz, और इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और इसके अंदर भी मॉड्स हैं काफ़ी। ठीक है, और ये जो है ये स्पीकर इनके साथ ही अटैच है? जी, इनके साथ ही अटैच है। ठीक है, ये किस कंपनी का है? ये मैंने आफ्टर मार्केट उठाया हुआ, ये भी KTS वालों का ही। ठीक है, अच्छा आप हमें अब थोड़ी सी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं ज़रा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखने वाले, तो अभी आप मुझे बताएं इस स्क्रीन की जो प्राइस है वो कितनी अभी होगी? इस स्क्रीन की तकरीबन प्राइस होगी 8000 to 9000 तकरीबन। ठीक है, और ये हेडफोन की जो है? ये आपको मिल जाएंगे तकरीबन 4000 to 3500 तक। ठीक है, और ये कीबोर्ड जो है? कीबोर्ड आपको मिल जाएगा तकरीबन 3200 तक। माउस? माउस
8,500 माउस पैड जो है, माउस पैड आपको मिलेगा ये क्योंकि ओरिजिनल है रेजर का, ये आपको मिलेगा 5,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आराम से मिल जाती है। अच्छा, आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अब हम आ जाते हैं जी सीपीयू की जो प्राइस है उसके ऊपर, तो आप हमें बताएं कि विद केसिंग जो है, बड़ी खूबसूरत सी माशाल्लाह से आपकी केसिंग है, इसके साथ जो है ये पीसी जो आपने स्पेसिफिकेशन पहले बता चुके हैं इसकी सारी, उसके साथ ये कितने का पड़ जाता है आपको? तकरीबन भी ये 85-90 तक का ही। अच्छा, 85-90,000 तक आपको ये विद केसिंग सिर्फ सीपीयू मिल जाएगा। टेम्पर ग्लास इस साइड से है और इसके पीछे और पंखा भी लगा है, मतलब 4 पंखे लगे हुए हैं, तो ठीक है। और यहाँ से जो है इसकी ये हीट निकल रही है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये बताना चाहिए? खास तौर पे जो स्टेबलाइजर आता है जी, ये सर्वो मोटर बोलता है इसको। ठीक है, तो ये वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि रोटेट करती है वोल्टेज को, रोटेट करने के लिए। वोल्टेज को रोटेट करने के लिए मतलब ये अगर बिजली का वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो ये उसको एक जगह पे स्टेबल रखेगी ताकि पीसी बंद ना हो या जल ना जाए आपकी मशीन। तो जी बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह से इनका ये सेटअप है, आप लोग देख सकते हैं गेमिंग सेटअप है। आप हमें बता सकते हैं कि आपने अभी तक इस सेटअप के ऊपर जो है, वैसे तो हमें पता है पीसी के लुक से पता चल रहा है कि आपने स्पेशल ये गेमिंग के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आपने अभी तक इसके अंदर कौन कौन सी गेमें चला के टेस्ट की हैं? मैंने इसके अंदर GTA 5 Ultra पे चला के टेस्ट करी है, उसके लिए तकरीबन ये 75-80 FPS देता है हर चीज़ अल्ट्रा पे। ठीक है, और अपने मैंने Fortnite, PUBG मोबाइल नहीं, PUBG PC वो मैंने चला के देखी है, तो वो भी काफ़ी स्मूथ चलती है। मैं ज़्यादातर इस पर CS:GO खेलता हूँ। ठीक, इस पे भी इसकी काफ़ी अच्छी FPS है, आपको 200 अबव FPS, किसी चीज़ पे कोई लैक वगैरह नहीं है। नहीं, आप जो है कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आपको कोई भी चीज़ या आपको पीसी नया बनवाना है गेमिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इनको कॉल करके जो है इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और अगर आप पीसी बनवाना चाहते हैं तो आपको पीसी काफ़ी अच्छे रेट पे जो है वो ये आपको बना के दे देंगे। तो वीडियो को जो है लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।